साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं बीएसपी के जिला सचिव पंकज कुमार गौतम जी, जिला इलाहाबाद से। और इस तरह से बीएसपी की करारी हार हुई, उसके बाद जो है बीएसपी के बड़े बड़े नेता जो है सामने निकल कर नहीं आए कि हमारी हार हुई, लेकिन जो है हमारे साथ में आज मौजूद हैं बीएसपी के जिला सचिव पंकज गौतम जी। इनसे भी जानेंगे क्या कमियाँ रही, क्या कमी नहीं है, और हार का जो है किसको आरोप लगाएं, किसके ऊपर क्या कहेंगे। सबसे पहले हम आपके भीमराय दस्तक चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि जो मुझे यहाँ मौका मिला, आप सबके द्वारा यहाँ जो है आने को मौका मिला, और आपके माध्यम से शायद मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी तक अपनी बात पहुँचा पाऊँ या अपने पूरे जनता जनार्दन तक अपनी बात पहुँचा पाऊँ। जो आज सारे लोग मायूस बैठे हैं, मायूस बिल्कुल न बैठे, क्योंकि उन्होंने जितनी मेहनत किया था उनको वो पूरा परिणाम मिला है, उससे कहीं ज़्यादा मिला, कम नहीं मिला है। हम इसको जो है बिल्कुल मायूसी की ओर हम नहीं सोच रहे हैं। समस्या इस बात की थोड़ा सा जरूर है कि हम लोग सत्ता में नहीं हैं। सत्ता में ना होने के कारण आज हमारा संविधान खतरे में पड़ गया है। इसलिए जो हमारे लोग आते हैं कहते हैं बहन जी ने में ये कमियां है, बहन जी में वो कमियां है, मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती एक पैसे का कमी मैं नहीं मान सकता। कमी इसलिए नहीं मान सकता, अगर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किसी को भी कोई टारगेट दिया है तो अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ता जनता जनार्दन के दुख सुख की बात कभी बहन जी तक कोई पहुंचाया नहीं है। चाहे वो वहां बैठे माननीय मिश्रा जी हों, चाहे माननीय मेवालाल गौतम जी हों, चाहे हमारे इलाहाबाद मंडल में रहने वाले माननीय अशोक गौतम जी हों, जितने भी यहाँ नेता नीचे से ऊपर तक हैं आदरणीय बहन कुमारी जी छोड़ करके, हमेशा हर व्यक्ति इच्छा रखता है कि मुझे अच्छा से अच्छा सब कुछ मिले। हम कैसे करें कि मेरे पास मुझे करना कम पड़े और फल ज्यादा मिले। नहीं, अभी आप जो है मिश्रा जी पर बोल रहे थे, मिश्रा जी की बात करें तो मिश्रा जी जो है पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में जो है प्रचार किए, लेकिन उनका जो वोट रहा ब्राह्मण वोट, एक भी वोट नहीं मिला बीएसपी पार्टी को। कैसे मिलेगा ये तो उन लोगों, उनके समाज के लोगों को पता है ना कि किसी का घर बर्बाद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज हमारे लोगों पर जो अन्याय अत्याचार होते हैं, कोई बड़ा आदमी जो सेठ साहूकार होता है आता है हमारे गरीब मजलूमों को क्या करता है, चाहे उनकी बहन बेटियां हो, चाहे उनके घर के मजलूम लोग हों, मजबूर लोग हों, यानी अगर वो मुसीबत में है उसे चंद पैसे दे करके उनके साथ रंगरलिया मनाने का काम करता है। उसी तरीके माननीय मिश्रा जी ये हमारे पूरे बहुजन समाज को खत्म करने के लिए वो अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपने बेटा सबको ये लुभावना दिखाने के लिए, आदरणीय बहन जी को गुमराह करने के लिए आ गए मंच पे कि बहन जी मैं तो पूरा अपना परिवार यहाँ त्याग कर रहा हूँ बहुजन समाज के लिए। लेकिन हमारे लोग क्या किए उनको भाई, जो समझ रहे हैं वो क्या करेंगे भाई, हमारी नेता का आदेश हम लोग को पालन करना पड़ रहा है। लेकिन जो भी यहाँ की दुख मुसीबतें थी, हमारे जनता जनार्दन बीच की जो बातें थी, कभी यहाँ के कोऑर्डिनेटर लोगों ने अपना पद बचाने के लिए आदरणीय महन जी के पास कोई मुंह खोलने का काम नहीं किया। सर, कहीं आपको डर नहीं लगता, आप जो है बीएसपी के पदाधिकारी हैं और बीएसपी के जो है नेता हैं, बड़े नेता सतीश चंद्र मिश्रा जी, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, आपको पद मुक्त करने में जो है लोग आगे आ जाते हैं, डर नहीं लगता? किस बात का डर? पद मुक्त कर दिया जाएगा अगर हमारा घर बर्बाद होता हो। हम तो कहते हैं हमारी बात जरूर हो सकता है मौके पर, जिन्हें पद बचाना है, जिन्हें चाटुकारिता करना है, डर उनको लगता है, डर हमें नहीं लगता है। हमें तो अपने लोगों के प्रति लड़ाई लड़ना है, उन्हीं के लिए जीना है, समाज के बीच में काम करना है। कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी तो कुत्ता भी जीता है, हम क्या चीज हैं, तो हमें कुत्तों जैसी जिंदगी नहीं जीना है। हमें कम से कम वो सामाजिक स्तर पर काम करना है, कम से कम अगर एक व्यक्ति के मरने से 10 लोग, 100 लोग, 1 करोड़ लोगों की आज़ादी मिलती है तो वो उसे कुर्बानी दे देना चाहिए, ना कि केवल 100 लोगों के मरने के बाद अगर एक व्यक्ति जो है आज़ाद हो जाए तो वो इसी जिंदगी, जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अच्छा, बीएसपी जो है 4 बार सत्ता में आई है जी, अब की बार ऐसा क्या हुआ, कौन सा वोट बैंक जो है खिसक गया कि एक ही सीट पर जो है बीएसपी सिमट गई? सारे वोट खिसक गए, सारे वोट खिसक गए। वजह क्या है, जो भी हमें वोट मिला हम तो धन्यवाद सर्व समाज को देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा बहुत रही हमारे साथ जुड़ने की, उन्हें वोट देने की। उनको भी ऐसा कोई समाज नहीं है, मुझसे कोई लिखवा ले कि उसे बसपा की जरूरत नहीं, चाहे सरकारी कर्मचारी भी होंगे, चाहे जैसे भी लोग होंगे, सभी लोग व्यक्तिगत जिनकी अपनी पार्टियां हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी है उनमें यादव जी बदनाम है, बहुजन समाज पार्टी में शमार बदनाम है,
भारतीय जनता पार्टी में तेली बनिया बदनाम है तो इस तरीके से। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके हारने के तत्काल बाद तुरंत जो है सबको एहसास हो गया, क्योंकि अगर मिशन बचा सकती है, संविधान बचा सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी बचा सकती है। इसलिए लोगों को पीड़ा बहुजन समाज पार्टी के प्रति है। अगर आरक्षण कोई दिलवा सकता है, हम लोगों को शिक्षा रोजगार दिलवा सकता है, तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी दिलवा सकती है, अन्यथा कोई पार्टी नहीं दिलवा। संविधान बचाने की बात कर रहे हैं जी, कहीं ना कहीं जो है सपा वाले भी तो जो है आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जो है मायावती को राष्ट्रपति बनाएगी और बहुजन समाज पार्टी भाजपा की भी टीम है। चलिए हम मान लेते हैं, अगर उनकी मानसिकता यह है कि भाई हमारे लोगों को मिला करके अन्य दल गुमराह कर रहे हैं किसी तरीके से, आज जितनी भी पार्टियां राज करना चाहती है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के चमार बिरादरी पर राजनीति खेलना चाहती है। उन लोगों ने अपने वोटों को जोड़ना तोड़ना छोड़ दिया है, केवल केवल निशाना है सिर्फ बहुजन समाज पर। आज जितनी पार्टियां लड़ती हैं तो बहुजन समाज पार्टी से लड़ती हैं, भले ही आज अस्तर गिराए हैं उसे हम अस्तर गिरा नहीं मानते हैं। हमें ये पता है हमने मेहनत कितना किया है, वो मुझे मिला है, क्योंकि मैं भी जो है बहुजन समाज पार्टी द्वारा इलाहाबाद जिला सचिव हूँ, इस मौके पर हूँ, उसके बाद विधानसभा प्रभारी बना करके हम लोगों ने जोन में लग कर काम किया। ये हमें पता है कि हमने मेहनत कितना किया और कितना हमें वोट मिला है। और यहाँ अगर मेहनत कहीं ना कहीं, चाहे पूरे विधानसभाओं में पूरे मंडल स्तर के लोगों को मैं बता रहा हूँ कि कहीं भी एक तरफ से काम नहीं हुआ है, काम केवल कागज पर काम हुआ है। हर बार तो कागज पर हो भी जाता था, अब की बार कोई कोऑर्डिनेटर मुंह खोल कर नहीं बोल पाएगा धनी भाई कुमार माधव जी के पास, क्योंकि वो इतना अच्छा कोऑर्डिनेटर पर जो है आरोप लगाया जाता है लापात में, खासकर अशोक गौतम के ऊपर खासकर जो है आरोप लगाया जाता है कि जो है कोऑर्डिनेटर यहाँ के जो है पैसे में डूब जाता है। यही के नहीं, ये इन लोगों को जितनी भी जिम्मेदारियां मिली, ये जितने कोऑर्डिनेटर बनाए गए, खास करके माननीय मेवालाल गौतम जी जो राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, या तो वो हमेशा निर्देशित करने का काम करते थे, या तो मानी मिश्रा जी, इन दोनों लोगों के ऊपर काफी लोगों ने राजनीति मतलब इनके दम पर किया, पार्टी के दम पर नहीं, कार्यकर्ताओं के दम पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों लोगों के दम पर राजनीति करने का काम किया। कि और ये लोग सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए वो कार्यकर्ता तैयार करते थे, हमारी कोठी कैसे खड़ी होगी, क्या मैं बहन जी से कम हूँ क्या, इस तरीके से इन लोगों की मानसिकता रही है जो आज हमारी पार्टी करनी पड़ी है। और हमें फिर भी दुख नहीं है, 22 तो बीत गया, 24 के चुनाव में हम अपने बहुजन समाज पार्टी के लोगों को ऐलान करना चाहते हैं, आप बिल्कुल डरिए नहीं, और आपका बहुजन समाज बहुत मजबूत है और मजबूत रहेगा। ये मानव मसीहा कांशीराम साहब जी जिस तरीके से मेहनत किए हैं, साइकिल चला चला कर एक एक घर जा कर के उन्होंने इस मिशन को जगाने का काम किया है, ये उनका जाया नहीं जाएगा, खराब नहीं होगा। जो भी चंद्र लोग इसको बर्बाद करने के लिए आए हैं वो खुद बर्बाद होने की कगार पर आ गए हैं, क्योंकि आज हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता हैं, हम लोगों के दिन तो ये मानव साहब की देन है कि अब हम लोगों के दिन आएंगे, हमें भरोसा है, और कोई दबा नहीं पाएगा, ये मुझे पूर्ण भरोसा है, अपनी मेहनत पर भरोसा है, अपने समाज के लोगों पर भरोसा है, यहाँ की जनता पर भरोसा है, और यहाँ ही नहीं पूरे प्रदेश में जो भी आदरणीय बहन जी की सरकार को देखा है वो उनकी सरकार के कार्यकाल को भूल नहीं पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लाइन ऑर्डर मेंटेन रहता था आज कोई सरकार नहीं कर पाई है और न कर पाएगी। आज तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं कि मैं अपनी ताकत पर नहीं हूँ, हमारे प्रधानमंत्री सहित सब लोग आरएसएस के गोद में खेल रहे हैं, इस तरीके से सरकार चला रहे हैं, और ये बिल्कुल इसके बाद अगर यहाँ बहुजन समाज पार्टी 24 में खड़ी नहीं होती है तो फिर आंदोलन कोई रोक नहीं पाएगा, आंदोलन होना तय है। मुख्य कारण क्या है बीएसपी का? मेन मुख्य कारण है हम लोगों ने मेहनत नहीं किया, और इतना ही नहीं, अब पूरे प्रदेश की बात क्या करूं, करना भी हमें नहीं चाहिए, इंसान भाई कहना है सबसे पहले अपना घर देखो, घर के बाद गांव देखो, गांव के बाद तब शहर में जाओ। तो सबसे पहले हम अपने विधानसभा स्वराज क्षेत्र की बात करूंगा, अगर हमारे प्रत्याशी को अच्छे हो बुरे हो जिस तरीके से ला दिए, हम लोगों को अच्छा सा पालन करना चाहिए, हम लोगों ने तो मेहनत किया, खूब मेहनत किया, पर हमारे प्रत्याशी को अब कोऑर्डिनेटरों द्वारा कहें, किसके द्वारा कहें, या किसी के दबाव बस कहें,
लोगों ने इतना दबाव रखा कि हमारा प्रत्याशी टाइम ही नहीं पाता था कि क्षेत्र में आ पाऊँ। 3 बजे अगर कोई क्षेत्र में आएगा तो कितनी मेहनत कर पाएगा, 2 बजे क्षेत्र में आएगा तो कितनी मेहनत कर पाएगा। हम तो कहते हैं हमारी जनता में कहीं कमी नहीं रही है और बसपा का वोटर कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत रहेगा। पार्टी हमारी अगर हारी है तो हमारी मेहनत की कमी की वजह से हारी है, ना कि जो जितने लोग आदरणीय बहन तुम्हारी मेहनत कौन नहीं किया, ऊपर के लोग या जो है सेक्टर अध्यक्ष या बूथ अध्यक्ष कौन नहीं किया? बूथ अध्यक्ष तो एकदम तैयार था मेहनत करने के लिए। बूथ अध्यक्ष पे एजेंट नहीं थे, सेक्टर अध्यक्ष भी तैयार नहीं थे, गठन नहीं हुआ था। जब हमारे बूथ अध्यक्षों को कोई चीजें बस्ता उनको मिलवे नहीं करेगा लगाए को, हमारे प्रत्याशी ऐसे चुनाव लड़े कि वो बस्ता देने के काम ही नहीं किए। यहाँ की बात नहीं, यहाँ तो हम लोगों ने जहाँ भी देखा पूरा बस्ता लगवाया, ऐसी बात नहीं है। कुल मिला के हमारे कार्यकर्ताओं को वो ताकत वो हौसला नहीं मिला जो हर जगह खड़े होकर डट करके मुकाबला करें और बूथ पे दमदारी से खड़े होकर के वोट दिलाने का काम करें, उनको वो हौसला नहीं मिला था, ये पूरा मुझे यकीन है। रही बात विधानसभा चुनाव की बस्ता की बात, विधानसभा चुनाव में बस्ता एक एक बूथ पर लगा है, लेकिन कुल मिला के इनको हौसला नहीं मिला, इनको सही से चलने का साधन नहीं मिल पाया। यहाँ की जो मंडल कोऑर्डिनेटर रहते थे, कभी कभी हमारे प्रत्याशी को भी जो है कोई काफ़ी ऐसे चीज़ें होती थी जो कार्यकर्ता की आवाज़ होती थी उसको बताने का काम नहीं करते थे। आज अगर परेशान है तो यहाँ का कार्यकर्ता परेशान है, प्रत्याशी चुनाव वाला चला गया, लेकिन यहाँ का एक एक कार्यकर्ता इतना परेशान है, परेशानी उसको अपने घर से नहीं है, परेशानी आज समाज को लेकर है। जो एक एक महीना डेढ़ डेढ़ महीने से एकदम घर छोड़ करके यहाँ पार्टी में काम कर रहा था, बराबर वोट मांगने का काम कर रहा था, उसको सम्मान नहीं दिया गया। आज यहाँ आपको हम बता दें कि हम कोऑर्डिनेटरों कमी पैसे के लोकर लेकर के हम कुछ नहीं कहेंगे, हमारे कोऑर्डिनेटरों की कमी इतनी है कि हमारी बात को बहन जी तक नहीं ले गए तो ठीक है, लेकिन आपको फॉलो करवाना चाहिए। आपकी हमारी बात को फॉलो करेगा कौन, कैसे करवाओगे हम लोग, हमारे कार्यकर्ताओं सुविधा कैसे मिलेगी? कभी सुविधा देने की बात नहीं आई कि इनको हम कैसे सुविधा दें कि हमारा एक एक घर चप्पा चप्पा जा करके हमारा स्टिकर बैनर पोस्टर विजिटिंग कार्ड वगैरह हमारा चुनाव चिन्ह पहुंच पाए। यहाँ तक कि कहा जाता था कि अरे ऐसा है कि अब इनके बीच में ना जाइए, अगर जहाँ हमारे दलित चमारी बिरादरी की बात हो, मान चलिए यहाँ पर ये होता है तो ये वोट फिक्स है, हम अपने घर की वोट अगर संभाल नहीं पाएंगे तो बाहरी आकर के वहाँ खेल कर चला जाएगा, तो हमारे लोग तो उस तरीके कुछ लोग नाराज रहेंगे कि हमारा अपना भाई पूछने नहीं आया, दुश्मन 1000 बार पूछ रहा है। तो इस वजह से हमारी काफी वोटें गड़बड़ हो गई। बाकी आज भी बहुजन समाज का मुझे पूरा यकीन है, अब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, उनको कैसे मैं सम्मान कर पाऊँ कि वो बिल्कुल एक चीज के लिए चिंता न करें कि आपका बहुजन समाज कहीं खिसका है, बिल्कुल नहीं खिसका है, बल्कि यह यकीन आपको दिलाना चाहूंगा और आप इस बात को विश्वास करें, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कि कुल मिलाकर के हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में मेहनत एक पैसे की नहीं हुई है और हमारे कोऑर्डिनेटरों द्वारा रोका गया है कि क्या करोगे, ऐसा माहौल ही है। कोऑर्डिनेटर की बात जी, कौन से कोऑर्डिनेटर है, क्या कोऑर्डिनेटर, अगर यहाँ सर्वे सर्वा देखा जाए सबसे पहले कमी तो सबकी है, एक व्यक्ति का नाम तो है नहीं, लेकिन अगर सर्वे सर्वा कोई देखने को मौका किसी को मिला था तो मानिए अशोक गौतम जी थे, उसके साथ अगर इसमें पूरे टीम वाइज किसी को लगाया गया था, जितने लोग हैं इनकी कमियां ये है कि मैं तो यहाँ कोई कार्यकर्ता डायरेक्ट मानिए अशोक गौतम जी को कॉल नहीं करता था, कॉल करता था बहुत बाद में करता था जब सब लोगों से त्रस्त हो जाता था तब। तो जब इन लोगों को कोई बात बताया जा रहा है कि यहाँ मीटिंग लगाना है, यहाँ मीटिंग लगाना है, तो कोई वहाँ मीटिंग नहीं लगाता था। अगर एक दिन में 10 मीटिंगें लगा भी दी गई तो हमारा प्रत्याशी आ रहा है 3 बजे 4 बजे, हमारा प्रत्याशी 3 बजे 4 बजे आएगा तो कोई मीटिंग अटेंड करेगा? इधर जोन इंचार्जों की भी हालत खस्ता हो जाती थी कार्यकर्ताओं के, इतना दिलासा दिला दे बस साहब आ रहे हैं, बस साहब आ रहे हैं, इस तरीके से होता था। तो हम जानते हैं, इतना मुझे पूरा भरोसा है पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं आदरणीय बहन जी को अवगत कराना चाहूँगा आपके इस पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी वोट कहीं खिसकी नहीं है ना खिसकेगी, ये मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज भी ये मानता है
कि इनका वोट कहीं जाने वाला नहीं है और उनको ये भी एहसास है कि इनके लोगों ने मेहनत नहीं किया है, इसी का नतीजा आज ये लोग भुगत रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। बाकी रही बात ये कि हमारे कोऑर्डिनेटरों को पहली बात कितने लोगों को ये कुछ पता ही नहीं है कि हमें किस समाज में बाबा साहब के साथ कितने लोगों ने, अगर कुर्मी महाराजा ने मेहनत किया तो बाबा साहब के साथ उनका क्या योगदान था, मानवर साहब के साथ क्या योगदान था, कभी ये जोड़ने का काम नहीं किया। मौर्य समाज के जो मसीहा थे उनके लिए अगर कहीं कोई बात किया जाए तो कभी कोई उनके समाज के उनके मसीहा की अगर बात कोई नहीं करेगा तो कोई जोड़ने को तैयार नहीं है। कुल मिला के मिशन जो पढ़ाया जाता है आज मिशन जितने पदाधिकारी हैं किसी को पता ही नहीं, सीधी सी बात यह है केवल वो पैसा फेंके पद लाए और चले आए, उनको पता नहीं है कि मुझे किस समाज में किसकी बात करनी चाहिए। इसी वजह से खास खास करके यही वजह है कि जो हमारा पार्टी में जो वोट हमारा नहीं आया, अन्य समाज जो बिछड़ गया, खास कारण यही है कि उनके मसीहा की हम लोगों ने इज्जत नहीं कर पाया और अपने भाई की इज्जत तो कर ही नहीं पाए उनकी जो बिक जाते हैं। सबसे पहले हमारे शीर्ष नेतृत्व की थोड़ा सा जो कमियां हैं, जहाँ जहाँ पर जैसे जिला पंचायत चुनाव हुआ हमारे इलाहाबाद मंडल में, चाहे जिला अध्यक्ष रहा हो चाहे मुख्य कोऑर्डिनेटर रहा हो और चाहे विधानसभा अध्यक्ष रहा हो चाहे जो भी रहे हों, जो भी जिम्मेदार पद पे थे इनके नेतृत्व बिल्कुल विधानसभा चुनाव कराने लायक नहीं था। इसलिए कि आपने रिजल्ट तब भी एकदम शून्य दिया था, आपने रिजल्ट विधानसभा का भी एकदम से शून्य देने का काम किया, ना कि आपने एक दो सीट देने का भी काम किया हो। जितने भी ये लोग रिजल्ट दिए एकदम शून्य दिए, ये हमें तो लगता है कहीं ना कहीं ये लोग मैनेज हो जाते हैं तभी जो है, कभी कार्यकर्ताओं को हौसला देने का काम नहीं किया। हम तो ये भी आपको बताना चाहेंगे, यही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, आज दलित समाज की हत्या हो जाती है, मुस्लिमों द्वारा हत्या होती है, मैं बार बार कहता हूँ कि कम से कम वहां तक चला जाए, लेकिन ये लोग जाने को तैयार नहीं। वही जब कहीं अगर अपशब्द बोलने का काम करिए तो तुरंत भागते हैं और कहते हैं ये पार्टी का अनुशासनहीनता है। और ये लोगों की तो आज लोग कहते हैं जिम्मेदार पदाधिकारी जो मुख्य पर जो मुख्य पद पर होता है, चाहे पद पर जो है जिला अध्यक्ष कोऑर्डिनेटर है, उस समय तो भाई जिला अध्यक्ष अभिषेक गौतम जी थे। तो क्या अभिषेक गौतम जी बोले थे? बिल्कुल बोले थे, चलिए ठीक भाई अब साहब जाने, अभी अशोक गौतम जी से बात बोला जाए, अम्बेडकर साहब जाने, अम्बेडकर साहब बोले ऐसा, अशोक गौतम जी से बात कर लो। ये क्या खेल खेलवाते हैं मैं समझ नहीं पाता। फिर तो इन लोगों की एक लत लग गई है कि केवल जो भी कोई बोल दे उसको पार्टी अनुशासनहीनता, उसको बाहर कर दिया जाए। अरे बाहर अंदर भी किसी को लाते हैं कि बाहर ही कर देते हैं। आज का आज आप रिजल्ट देख लीजिए, आप उनका जो है अजय भारती जी थे, 12 विधानसभा से चुनाव लड़ाने के लिए लाए, वो तो बीजेपी से आए थे, वही तो बता रहा हूँ कि जोड़ने की जहाँ बात हुई, ये ऐसे लोगों को लाते हैं कि जो फायदा लेते हैं और चले जाते हैं, और जो वाकई में बहुजन मिशन मूवमेंट का काम करता है उसको इसलिए काट देते हैं। अब जैसे इधर देख लीजिए, आप चुनाव पीरियड में माननीय अमरेंद्र बहादुर भारतीय जी को हटा दिया, मैं मानता हूं कि किसी के साथ कोई बैठा तो है नहीं, आप सही हो कि वो आज दो जो है दो लोगों ने इस्तीफा लगाया, अनिल कुमार गौतम जी कोऑर्डिनेटर और इधर जो है। अब इनका इस्तीफा हम इसलिए नहीं मानते हैं, अब उसमें आप लोग चाहे जो समझें, उनका इस्तीफा इसलिए नहीं मानते हैं ना उनका कोई लेटर बैठ रहा है, एक बार सादे कागज पे आप लिख के देते तो मान लेते, वो ना तो हमारा जो है प्रदेश का कोई लेटर पैड दिख रहा है ना जिले का लेटर पैड है, तो वैसे इसको हम नहीं मानते इस्तीफा। उनको लिखना ही है तो सादे पेपर पे अगर लिख के देते तो वो एक बार ये होता कि मैं जो है अपने से लिख कर दे दिया, तो ये लेटर पे तो गलत हम मानते हैं। अभी वो दिए हैं, हो सकता है मन से दिए हों, लेकिन इसको लिखित में जो दिए हैं इसको हम नहीं मानते कि आप दे ही दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोगों की पीड़ा है, किसी ना किसी से सब त्रस्त है। इलाहाबाद मंडल तो उनसे एकदम खास त्रस्त है, ये अगर जब तो क्या इलाहाबाद मंडल में बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, चाहे जिला अध्यक्ष हो जिला अध्यक्ष को बैठा देना चाहिए, ये सब तमाम संगठनों में काम करने वाले लोग हैं काम करते हैं। एक तरफ है कि बहन जी ने इतना बड़ा हौसला दे दिया, वर्तमान में जिला अध्यक्ष जो है बाबूलाल भोरा जी, जी जी, तो अभी तो ये बीच में बात हुई थी, मानी भौरा जी ने तो कहा, इनके साथ जो चलने वाले लोग थे उन्होंने कहा पूरा चमार जो है मिल करके मानी भौरा जी को चुनाव हरा दिया था। हमने कहा, हमने तो कह दिया भाई कि क्या आपने वही चीज का बदला लिया क्या? आज आपका भाई चुनाव लड़ रहा था, आनंद पासी विधानसभा स्वराज चुनाव लड़ रहा था, कभी आपने ये सोचा
कि मेरा ही भाई है, बहुजन समाज से भले है, हो सकता है बहुजन समाज आपके लिए दुश्मन हो सकती है, लेकिन आपका ये पारसी समाज आपका भाई तो दुश्मन नहीं हो सकता है। आपने अपने भाई के साथ भी गद्दारी करने का काम किया, अगर कोई पदाधिकारी आपने नहीं भेजा, कोई जिला स्तर, कोई मंडल स्तर, कोई मुख्य स्तर पर कोई भी पदाधिकारी कोई प्रचार करने थोड़ी गया था। आदरणीय बहन जी ने जितने स्टार प्रचारक भेजे थे, कोई स्टार प्रचारक यहाँ चुनाव प्रचार प्रसार करने नहीं आया। पता नहीं मेरा प्रत्याशी बुलवा नहीं पाया कि वो लोग आना ही नहीं चाहे। बहुजन समाज पार्टी की आज ये स्थिति हो गई है कि बड़े नेता भी जो है उनके गाँव से भी उनके बूथ से भी 3 और 4 वोट मिल रहे हैं। हाँ, तो ये सब जब काम करेंगे जमीनी स्तर पर, ये काम थोड़ी करते हैं दूसरे के ऊपर हुकूमत करके जो है, स्वयं ही अपने भाइयों के सामने राजा बनना चाहते हैं, अपने समाज के प्रति ये हुकूमत करना चाहते हैं। कभी ये नहीं सोचे कि सत्ता ला लूंगा तो हम सबके ऊपर हुकूमत कर सकते हैं। कम से कम अगर हमारे संविधान की ताकत रहेगी तो चाहे जिस समाज का होगा, अगर हम हुकूमत करना चाहेंगे तो चाहे जिस पर हुकूमत कर सकते हैं। लेकिन ये सोचे कि अगर हम सरकार बना लेंगे तो हमारा भाई भी हुकूमत करने लगेगा तो मेरी गरिमा ही क्या रह जाएगी, मैं रात दिन मेहनत किया हूँ तब यही रहूंगा, और वो जो है डेली जो है रोजमर्रा वाला कमाने वाला वो भी जो है एकदम हीरो राजा बन जाता है। तो इससे अच्छा है कि सरकार ही ना बनाओ और खुद अपने भाई पर हुकूमत करो, राजा बने रहोगे, तमाम लोग तमाम विपक्षी पार्टियाँ हमको तो पूछेंगी, उसके काम करने का टाइम ही नहीं है, हमको पूछेंगी तो हम तो समाज का नेता बने ही रहेंगे। और वो भी उनको नहीं पता कि समाज का नेता तो बनोगे, लेकिन समाज इतना जाग चुका है कि समाज आपको नेता तो मानेगा लेकिन दलाल नेता मानेगा। तो हमारे साथ में मौजूद थे पंकज कुमार गौतम जी जो जिला सचिव हैं बीएसपी से जिला इलाहाबाद के, वो कह रहे हैं कि हार की कमी जो है हम लोगों ने मेहनत नहीं की, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेहनत नहीं की इसलिए हम लोग हार गए।